कोरोना को लेकर लगता है कि लगातार जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा तकलीफ हो सकता है, अगर इसे सही इसे लेकर सही समय पर अगर जिन प्रशासनों या राज्य सरकार ने मांग नहीं उठाए। अगर बात एडवाइजरी जारी किए जाने लेकर सेंट्रल ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिला प्रशासन और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लगता है कि अधिकारी इसे ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो भी टेस्ट है वो जिला अस्पताल के टेस्टिंग लैब पे हो रहे हैं और भी जितने अस्पताल है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य सिविल हॉस्पिटल वहां पर जांचों की सुविधाओं को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। न ही जो निजी अस्पताल है उन्हें वार्न किया गया है कि वह भी इस तरीके के कोरोना के अगर लोग पीड़ित होते हैं तो वे भी अपने सेंटरों को सभी तैयार करके रखें। जी सुबोध जी, चलिए सुबोध तिवारी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत, तो ये थे हमारे साथ दुर्ग जिले से सुबोध तिवारी जी, जिन्होंने हमको दुर्ग जिले में क्या कुछ प्रमुख खबरें आज सुर्खियों में रहने वाली उसके विषय में संबंधित जानकारी दी। खास एक बड़ी खबर जिन्होंने बताई कि कोरोना वेरियंट जेन जो है उसका आगमन हो चुका है दुर्ग जिले में। एक मरीज जो है अब हम सीधा चल